आज मैं फिर से लेके आया हूं आप लोगों के लिए ऑप्शन के अंदर एक ऐसी धमाकेदार स्ट्रेटजी जिसको यूज करके आई कैन गारंटी आप रेगुलर सिस्टमेटिकली प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते रहें। तो आज उस स्ट्रेटजी का नाम है आयरन कंडोर स्ट्रेटजी, और मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है। बने रहिएगा अगले 3 से 5 मिनट, और जितने भी व्यूअर हमसे फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे जुड़ रहे हैं आप रेगुलरली ऐसी वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। सिंपली करना क्या है, आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना है और रेगुलरली आप हमारी फैमिली के मेंबर बन जाएंगे। और डायरेक्टली डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजीज के बारे में। तो होता क्या है, देखिए आयरन कंडोर में यह होता है कि कोई भी प्राइस पे मार्केट चल रहा है वहां पे आपने क्या करना है, सेम प्राइस पे आपको कॉल और पुट को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, सेल करना है, और अपोजिट में दोनों साइड पे आपको सेम क्वांटिटी का कॉल भी बाय करना है और सेम क्वांटिटी का पुट भी बाय करना है। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी, एक एक चीज। डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं आपके लिए डायग्राम कि आयरन कंडोर दिखता कैसे है प्रॉफिट की शेप में। ये मार्केट है, क्लियर है, ये लाइन के साथ हम मान के चलते हैं। यहां पे सपोज करिए मार्केट चल रहा है 17,000 का मार्केट चल रहा है निफ्टी का, क्लियर है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, या तो एट द मनी बहुत लोगों को पता होगा, या फिर आउट ऑफ द मनी, नियर आउट ऑफ द मनी। इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है एटीएम ओटीएम और आईटीएम पे, आई बटन पे जरूर चेक करिएगा। जिनको कंफ्यूजन होगा कि एटीएम आईटीएम और ओटीएम में क्या डिफरेंस है वो उस वीडियो को चेक करके आइएगा तो आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। यहां पर क्या करना है आपने, या तो आपके पास ऑप्शन है 17,050 का सीई, एंड सेकेंडली डाउन में 16,950 का पीई, क्लियर है। ये दोनों क्या करने हैं, शॉर्ट करने हैं, सेल करने हैं। एंड अपोजिट में फार ओटीएम, फार ओटीएम का मतलब क्या हुआ, दूर का ओटीएम क्या करना है, बाय करना है। अगर पुट को बाय करना है तो किस साइड को करेंगे, डाउन साइड को करेंगे, ओटीएम वही होगा। अगर हम ऊपर को करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। तो दैट मीन 16,600 मान के चलता हूं पी, इसको क्या करना है, बाय करना है, इसको क्या करना है, सेल करना है, इसको क्या करना है, सेल करना है, और लगभग उतने ही पॉइंट से अपोजिट में कॉल को भी बाय कर लेना। कॉल बाय कब होगा ओटीएम में, जब वो ऊपर को होगा। अब यहां पे मान के चलते हैं 17,300 का एग्जांपल लेके चलता हूं सीई, इसको भी क्या करना है, बाय कर लेना है। अब इसका ड्राइंग कैसे बनेगा, इसका शेप कैसे बनेगा, डिजाइन कैसे बनेगा, ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहां से ऊपर जाएगा प्रॉफिट आपका, यहां से भी प्रॉफिट ऊपर जाएगा, यहां मैक्सिमम कट हो जाएगा बिकॉज आपने पुट बाय कर रखे हैं दोनों साइड पे, और यहां से क्या होगा, यहां से आपका लॉस शुरू हो जाएगा। बट ये अनलिमिटेड नहीं होने वाला, यहां पे एक लेवल पे कट लग जाएगा। क्यों लगेगा, अब देखिए मैं आपको रीजन बताता हूं एक एक चीज का, ताकि आपको सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाए। अब मैं सेम पॉइंट्स उठा रहा हूं जो परे हैं। अब यहां पे मैंने सेल कर रखा है, यहां पे मैंने सेल कर रखा है, यहां बाय कर रखा है, और यहां भी बाय कर रखा है। अगर मार्केट बहुत ही ऊपर चले जाती है, क्लियर है, तो मेरा ये बाय जीरो होने वाला है एक्सपायरी पे, ये सेल क्या होगा, इन द मनी। ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये सेल क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा बिकॉज क्या हुआ, वो भी ओटीएम में ही एक्सपायर हुआ। ये पुट है, ये क्या है, कॉल है, दोनों के दोनों, सीई और पीई। मैं लिख देता हूं और भी क्लियर हो जाएगा। अब ये सेल है, ये हो गया इन द मनी, ये सेल क्या हो गया, इन द मनी। यहां पे आप क्या है, लॉस में है। अब अगर तो वो कम रेंज में ही बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा बिकॉज यहां पे भी आपको पैसा मिला, यहां पे भी आपको पैसा मिला, और यहां पे क्या हुआ, ये ओटीएम में अगर एक्सपायर होता है ये जीरो हो जाएगा, ये आपका पहला लॉस। और दूसरा आपको यहां पे स्मॉल लॉस कि ये कितना ऊपर चले गया आपके सेलिंग प्राइस से। अब सपोज करिए बहुत ऊपर चले गया, बहुत ऊपर चले गया, बहुत ऊपर चले गया, यहां पे क्या हुआ, आपका जो बाय कर रखा है आपने ये आपको सेव कर देगा। एक टाइम के बाद ये बाय भी क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, आपके लॉस को मैनेज कर लेगा। सिमिलरली डाउन साइड में बहुत ही नीचे मार्केट जाएगी तो आपका पुट का बाय क्या कर लेगा, आपको सेव कर लेगा, क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक वेबसाइट की हेल्प से और भी क्लियरली समझा देता हूं। ये मैंने ऑब्स्ट्रा वेबसाइट का यूज करा है, आप लोग भी कर सकते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डिंग के लिए। यहां पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कुछ स्ट्राइक प्राइस ऐड कर रखे हैं, जिस तरह से रिसेंट एक्सपायरी का 16,900 का मैंने कॉल क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। क्यों, नियरेस्ट यहां पर देखिए मार्केट कहां चल रहा है, 16,900 के आसपास बिल्कुल, तो मैंने क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया। अब इसके अपोजिट में देखिए मैंने क्या कर लिया, अगेन शॉर्ट कर लिया, इसको पुट को,
यही बोला था। और लगभग आपने क्या करना है, नियरेस्ट प्राइस के 115 में मेरे को ये मिल रहा है, 123 में मेरे को ये मिल रहा है। सिमिलरली मैंने क्या कर लिया, अगेंस्ट में बाय भी कर लिया ओटीएम में जाके, मार्केट चल रहा है 16,900 के पास, 300 नीचे में ऑलमोस्ट या फिर 300 के आसपास ऊपर में भी, और प्राइस भी दोनों का लगभग लगभग इक्वल। यहां पे बन गया ना वो शेप जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए ऊपर में एक बार क्लियर बनाता हूं आपके लिए। यहां पे देखिए ये लाइन चल रहा है मार्केट का, ये बढ़ता जा रहा है, यहां से आपका प्रॉफिट शुरू हो गया, ऊपर कट हो गया, फिर नीचे उतर गया, फिर यहां पे आपका लॉस भी लिमिटेड हो गया। ये है स्ट्रेटेजी आयरन कंडोर। अब क्या है, आपको मैनेज करना आना चाहिए। मैनेज इसको कैसे करते हैं वो मैं किसी और दिन आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आयरन कंडोर स्ट्रेटेजीज को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बहुत बढ़िया प्यार देंगे, बहुत ज्यादा लाइक देंगे, शेयर करेंगे, तो मैं जरूर आपको इसमें एडिशनल बेनिफिट्स बता दूंगा इस स्ट्रेटेजीज के, कि कैसे कैसे आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगी। अगर अभी तक आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी ऑप्शन सेलिंग में स्पेशली, तो आप क्या करिएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन दबाए बिना तो बिल्कुल ना जाइएगा। और जाते जाते राइट साइड में आपको ऑप्शन सेलिंग की वीडियो का लिंक लगा रहा हूं, बिकॉज आपको ऑप्शन सेलिंग आना चाहिए। और कैसे प्राइस निकालते हैं वो सारा आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, इंक्लूडिंग कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, और इस स्ट्रेटेजी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।